सरकार द्वारा स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन कॉलेजों को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं की गई है जबकि जिले में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है कॉलेज बंद होने से छात्रों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है पिछले वर्ष डिग्री लेने के बाद भी कई छात्रों को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है अब पालकों सहित प्राध्यापक भी कॉलेज नहीं खोले जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं जिले सहित विदर्भ के लगभग सभी हिस्सों में कोरोना का प्रकोप कम हो गया है ग्रामीण के कई गांवों में तो पिछले महीने भर से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला स्कूल शुरू होने के बाद से छात्रों सहित शिक्षक भी खुश है लेकिन सरकार द्वारा कॉलेज बंद रखने के पीछे की वजह समझ से परे है जब स्कूली बच्चों में संक्रमण का भय नहीं है तो फिर युवा वर्ग के लिए बंदिशे क्यों? वैसे भी अधिकांश युवाओं का टीकाकरण हो गया है किसी को एक तो किसी को दोनों टीके लग चुके हैं वही कॉलेज स्टाफ का भी टीका हो गया है इसके बावजूद कॉलेज शुरू नहीं करने के पीछे की मुख्य वजह साफ नहीं हो पा रही है अब पालकों सहित प्राध्यापक भी मांग कर रहे हैं कि कॉलेज शुरू किए जाने चाहिए ताकि छात्र कॉलेज में जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सके साइंस और कॉमर्स के छात्रों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है बिना प्रैक्टिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वही इंजीनियरिंग के छात्र भी किताबों के भरोसे ही बैठे हैं